हेलो व्यूअर्स, दिस इज प्रिया। टुडे वी विल स्टार्ट क्लास 6 सिविक्स चैप्टर 7 रूरल लाइवलीहुड्स। रूरल मतलब होता है विलेज वाला एरिया। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो विलेज वाले एरिया में पीपल रहते हैं उनका लाइवलीहुड कैसा है। लाइवलीहुड बोले तो जो डेली का उनका खर्चा है घर का, वो कैसे चलाते हैं, क्या उनका काम होता है जिससे वो मनी को अर्न कर पाते हैं और अपना गुजारा कर पाते हैं। यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है। तमिलनाडु की सी कोस्ट पे एक विलेज होता है जिस विलेज का नाम होता है कल्पट्टू। वहाँ पे एक विमेन काम करती है जिसका नाम होता है तुलसी। अब तुलसी जो है ना, रामलिंगम के लैंड पे जाती है काम करने के लिए। रामलिंगम एक लार्ज फार्मर होता है। तुलसी यहाँ पे राइस को, जिसको हम पैडी भी बोलते हैं, उसको हार्वेस्ट करती है। जब पूरा क्रॉप ग्रो हो जाता है ना, तब उसको हार्वेस्ट किया जाता है, काटा जाता है। इस काम के लिए तुलसी को ओनली 40 रुपीस मिलते हैं एक दिन के। तुलसी के हस्बैंड भी इसी फार्म में काम करते हैं। वो पेस्टिसाइड को स्प्रे करते हैं जिससे कि क्रॉप पे कोई भी पेस्टिसाइड ना लगे, कोई भी कीड़ा ना लगे। ये सारा काम ओनली 2 मंथ के लिए होता है। बाकी के टाइम पर पूरे ईयर ये लोग खाली बैठे रहते हैं, इनके पास कोई काम नहीं होता है, तो इनको अपना गुजारा करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से इनको उधार लेना पड़ता है मनी लैंडर से। मनी लैंडर वो पीपल होते हैं जो मनी को उधार देते हैं लोगों को और इंटरेस्ट लेते हैं उन लोगों से। फिर इसी विलेज में एक और फार्मर है जिसका नाम है शेखर। ये स्मॉल फार्मर है, इसके पास छोटा सा लैंड है। उसमें एक क्रॉप को ग्रो करता है, कुछ क्रॉप को ये घर के लिए रख लेता है और कुछ क्रॉप को ये सेल कर देता है मार्केट में। इसे भी कभी कभी मनी लैंडर से मनी लेना पड़ जाता है, क्योंकि उसको सीड परचेज करना पड़ता है, फर्टिलाइजर लेना पड़ता है, पेस्टिसाइड लेना पड़ता है अपने फार्म के लिए, और इसके पास इतना पैसा होता नहीं है। तो बाद में जो मनी लैंडर्स होते हैं ना, वो इसको फोर्स करते हैं कि जितना भी तुम क्रॉप को ग्रो करोगे, जो भी राइस तुम ग्रो करोगे, वो तुम हमें सेल करोगे। कभी कभी तो इन स्मॉल फार्मर की क्रॉप खराब भी हो जाती है, क्योंकि सीड्स अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है और जो पेस्ट होते हैं, जो कीड़े होते हैं, उन पे अटैक कर देते हैं और खराब कर देते हैं क्रॉप को। और कभी कभी तो रेन नहीं आती है, बारिश नहीं आती है, तो क्रॉप ग्रो ही नहीं हो पाती है। इस वजह से कई बार इनका बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है और पूरे ईयर तो क्रॉप ग्रो होती नहीं है। तो बाकी के टाइम पर ये क्या करते हैं, जो रामलिंगम का राइस मिल है ना, वहां पे जाके काम करते हैं। रामलिंगम की खुद की राइस मिल भी होती है और खुद की सीड्स वगैरह की शॉप भी होती है। तो रामलिंगम तो बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि उसकी खुद की लैंड भी होती है, वो सीड को भी सेल करता है और उसकी राइस मिल भी होती है जहाँ पे राइस को अच्छे से साफ किया जाता है। इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि सबसे अच्छी कंडीशन रामलिंगम जैसे जो लार्ज फार्मर होते हैं उनकी होती है, और सबसे बैड कंडीशन तुलसी जैसे फार्मर्स की होती है जिनके पास खुद का लैंड ही नहीं होता, वो लैंडलेस होते हैं। और जो शेखर जैसे फार्मर होते हैं, स्मॉल फार्मर्स होते हैं, वो भी एक तरीके से बैड कंडीशन में ही रहते हैं, लेकिन उनकी कंडीशन तुलसी जैसे फार्मर से तो अच्छी ही होती है, क्योंकि कम से कम उनके पास एक छोटा सा लैंड तो होता है अपना। एक और स्टोरी है पुडुपेट विलेज की। पुडुपेट विलेज कालपट्टू विलेज के पास में ही है। वहाँ पे एक वीमेन होती है जिसका नाम होता है अरुणा। वो बताती है कि हम लोग फिशिंग का काम करते हैं क्योंकि हम सी कोस्ट के पास रहते हैं, और मेरे हस्बैंड हैं वो भी यही काम करते हैं, तो हम लोग फिश को कैच करते हैं सी में से और ले जाके मार्केट में बेचते हैं। लेकिन ये काम हम पूरे साल भर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मॉनसून के टाइम पे जब बारिश आती है ना, तब हम फिश को कैच कर ही नहीं पाते हैं नेट में, और कभी कभी तो सुनामी आ जाती है, तो इस वजह से हमें पूरे साल भर काम करने को नहीं मिलता है। अभी तक हमने जो भी स्टोरीज पढ़ी उसमें हमें यही देखने को मिला कि जो फार्मर्स होते हैं उनको पूरे साल भर काम करने को नहीं मिलता है। और विलेज में पीपल बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि कोई एग्रीकल्चर में काम करता है, तो कोई फिशिंग में काम करता है, तो कोई डेयरी प्रोड्यूस में, जैसे काओ वगैरह का मिल्क जो होता है वो बेच के फिर मनी अर्न करते हैं, तो अलग अलग काम करते हैं विलेजेस में। इस चैप्टर में एक टर्म है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग मतलब होता है जब माउंटेन वाले एरिया पे स्टेयर्स जैसे बनाया जाता है, जैसे सीढ़ियाँ होती है ना, इस टाइप से बनाते हैं और उसके बाद वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं और पानी को रोक के रखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे ग्रीन कलर की
बाउंड्री है और उसमें पानी को रोका गया है। उस पानी में राइस की कल्टीवेशन होती है। इंडिया में अगर हम देखें रूरल फैमिलीज में, तो 5 रूरल फैमिलीज में आपको एटलीस्ट 2 रूरल फैमिली एज अ एग्रीकल्चर लेबरर मिलेगी। वो लोग एग्रीकल्चर में ही काम करते होंगे। इस चैप्टर को मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं अब डिटेल में। रूरल लाइवलीहुड्स, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि विलेज के पीपल्स की लाइफ कैसी होती है। फर्स्ट चैप्टर में हमने डाइवर्सिटी के बारे में देखा था कि डिफरेंट रीजन में डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट ट्रीज होते हैं, डिफरेंट क्रॉप्स होते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि विलेज में पीपल्स कैसे अर्न करते हैं, क्या वर्क करते हैं जब जाके उनकी थोड़ी बहुत अर्निंग होती है और वो अपना गुजारा कर पाते हैं। फर्स्ट चैप्टर में भी हमने देखा था कि कैसे लोग अर्न करते हैं, क्या क्या वर्क करते हैं, क्या सभी को इक्वल पैसे मिलते हैं काम करने का, क्या सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। हमने ये भी देखा था कि पीपल्स कैसी कैसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है कलपट्टू विलेज की। तमिलनाडु के कोस्ट पे एक विलेज है कलपट्टू। इस विलेज में भी और विलेजेस की तरह काम होता है। कुछ नॉन फार्म वर्क है जैसे कि बास्केट, यूटेंसिल, पॉट्स, ब्रिक्स और बुलक कार्ड बनाना, तो इनको बनाने का भी काम होता है यहाँ पर। और भी काफी सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं पीपल्स, जैसे ब्लैकस्मिथ हो गए, नर्सेस, टीचर्स, वॉशरमैन, वीवर्स, बार्बर, साइकिल रिपेयर मैकेनिक, सो ऑन, और शॉपकीपर और ट्रेडर्स भी होते हैं यहाँ पर। विलेज की जो मेन स्ट्रीट है वो एक बाजार की तरह दिखती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत छोटी छोटी शॉप्स हैं, जैसे कि टी शॉप हो गई, ग्रोसरी शॉप, बार्बर शॉप, क्लोथ की शॉप, टेलर, 2 फर्टिलाइजर एंड सीड शॉप्स भी है। ग्रोसरी शॉप उसे बोला जाता है जहाँ पे दाल, चीनी, चावल मिलती है, किराने की दुकान जिसे बोलते हैं हिंदी में। यहाँ पे 4 टी शॉप्स भी हैं जो टिफिन भी सेल करती है, जैसे कि इडली, डोसा और उपमा मॉर्निंग में सेल करते हैं, और कुछ जो स्नैक्स होते हैं जैसे वडा, बोंडा और मैसूर पाक, ये इवनिंग में देते हैं। टी शॉप के साथ में ही एक ब्लैकस्मिथ का घर है, उसने अपने घर में ही वर्कशॉप बना रखी है और वहीं वो काम करता है। उसके साथ में एक और घर है, उसमें साइकिल हायर और रिपेयरिंग का काम होता है। 2 फैमिलीज और हैं वहाँ पे ऐसी जो वॉशिंग क्लोथ करती है, कपड़े धोती है, धोबी का काम करती हैं। और कुछ पीपल तो पास के ही टाउन में चले जाते हैं, वहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं और एज अ ड्राइवर काम करते हैं। लॉरी ड्राइवर सब ट्रक ड्राइवर को बोलते हैं। विलेज के आसपास लो हिल्स हैं, यहाँ पे लोग सबसे ज्यादा पैडी ग्रो करते हैं। पैडी होता है राइस। ज्यादातर पीपल यहाँ पे एग्रीकल्चर का ही काम करती है। यहाँ पर और भी फार्मिंग होती है, जैसे कि कोकोनट ग्रोव्स की, कॉटन, शुगर केन और मैंगो ऑर्चर्ड्स। मैंगो ऑर्चर्ड्स बोले तो आम का बाग। तो चलते हैं कलपट्टू विलेज में देखने कि वहाँ के पीपल कैसे काम करते हैं और उस फार्मिंग से हम लोग क्या सीखते हैं। यहाँ पर एक विमेन अपनी स्टोरी बता रही है जिसका नाम है तुलसी। तो वो बोलती है कि मैं जहाँ पे वर्क करती हूँ वो रामलिंगम का लैंड है, 20 एकड़ का लैंड है, और वहाँ पे पैडी की फील्ड है, इसका मतलब राइस की फील्ड है। वो बोलती है कि शादी से पहले भी मुझे पैडी की फील्ड में ही काम करना पड़ता था, और मैं सुबह 8:30 उठती थी और इवनिंग में 4:30 तक मुझे काम करना पड़ता था। जिस फील्ड में मैं अभी वर्क कर रही हूँ उसमें रामलिंगम की वाइफ करुथम्मा हमें सुपरवाइज करती है, देखती रहती है कि हम लोग कैसे काम कर रहे हैं। मुझे रेगुलर वर्क करने को भी नहीं मिलता है, क्योंकि रामलिंगम जब भी बुलाते हैं जब वीडिंग या फिर हार्वेस्टिंग होती है। वीडिंग मतलब होता है जब अनवांटेड प्लांट, जो प्लांट्स हमें चाहिए नहीं उन्हें हटाना होता है, तब हमें बुलाते हैं, या फिर हार्वेस्टिंग जब राइस को कट करना होता है बस तब। बाकी टाइम पे तो हम खाली ही बैठे रहते हैं। जब मैं यंग थी तब इस वर्क को करने में मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं होती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं ओल्ड होती जा रही हूँ मुझे झुकने में प्रॉब्लम होती है, और इतने घंटे तक, इतने आवर्स तक मैं अपने फीट को, पैरों को वाटर में नहीं रख सकती। ये बहुत पेनफुल है, और रामलिंगम वैसे भी 40 रुपीज तो देते हैं पर डे के। मेरे होम विलेज में जहाँ पे मेरे भाई रहते हैं वहाँ पे भी इतना कम पैसा नहीं देते हैं, लेकिन मैं रामलिंगम पे ही डिपेंड हूँ, क्योंकि जब भी इनको काम होता है ये हम लोगों को ही बुलाते हैं और किसी विलेज में से कोई लेबर नहीं लेकर आते हैं।
इस फिगर में हम देख भी सकते हैं कि फार्मर्स कैसे झुककर राइस को निकाल रहे हैं, कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, इसमें तो कमर ही टूट जाती होगी। तुलसी बताती है कि मेरे हस्बैंड रमन वो भी एक लेबरर है, हमारा खुद का कोई भी लैंड नहीं है। इस टाइम पर जब पैडी ग्रो हो रहा होता है तब वो पेस्टिसाइड को स्प्रे करते हैं उन पे। पेस्टिसाइड को स्प्रे करना मतलब होता है जैसे पैडी मतलब राइस होता है ना, उस पे अगर कोई कीड़ा लग रहा है तो पेस्टिसाइड से वो कीड़ा मर जाएगा, तो उसको वो स्प्रे करते हैं पूरी फील्ड में। जब फार्म में कोई वर्क नहीं होता तो ये सैंड को लोड करते हैं ट्रक में रिवर से, और क्वेरी में भी काम करते हैं। जो वो सैंड होती है जो ट्रक में लोड होती है वो टाउन में जाती है और टाउन में हाउस बनते हैं उससे। ये बताती हैं कि मुझे घर के भी काफी सारे काम करने पड़ते हैं, जैसे कि कुकिंग हो गया, घर को साफ सफाई हो गई, और क्लोथ को वॉश करना, फायरवुड लेकर आना, और 1 किलोमीटर दूर जाके मुझे पानी भरना पड़ता है, वहां से मैं पानी लेकर आती हूँ। मेरे हस्बैंड्स ग्रॉसरी का सामान लाते हैं घर में। अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि ग्रॉसरी का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। तुलसी बोलती है कि मेरी जो डॉटर्स है वो स्कूल जाती हैं, तो उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि चलो हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमारे बच्चे कम से कम स्टडी तो कर रहे हैं। ये बताती हैं कि लास्ट ईयर मेरी एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो मुझे टाउन ले जाना पड़ा था, वहां पे हॉस्पिटल में मैंने दिखाया था, और ट्रीटमेंट के लिए पैसे रामलिंगम से लिए थे। अब रामलिंगम को पैसे वापस करने थे तो इस वजह से मैंने अपनी काओ भी बेच दी थी। इस डायग्राम में देख सकते हैं हम कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में वेडिंग का काम होता है और नवंबर से दिसंबर के बीच में हार्वेस्टिंग का काम। इसका मतलब तुलसी सिर्फ इस टाइम ही वर्क करती है क्योंकि रामलिंगम वेडिंग और हार्वेस्टिंग के लिए ही बुलाता है। अभी हमने देखा तुलसी जो है वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है रूरल एरिया में, उसे अपने घर में भी काम करना पड़ता है जैसे फायरवुड का, वाटर लेकर आना, कैटल को ग्रेज करवाना, इसके उसको पैसे भी नहीं मिलते हैं तो अपने घर का खर्चा वो कैसे चलाएगी, और थोड़ा बहुत काम मिलता है उसे बाहर करने को जिससे उसकी जो फैमिली है वो सर्वाइव भी नहीं कर पाती है। हमारी कंट्री में अगर हम विलेज वाले एरिया में देखें तो 2/5 पीपल एग्रीकल्चर लेबर ही होगी। इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में ही काम करते हैं विलेज में। कुछ लोगों के पास यहाँ तो स्मॉल प्लॉट होता है, छोटा सा प्लॉट होता है जिसमें वो अपना वर्क करते हैं, और कुछ के पास तो लैंड होता ही नहीं है, जैसे कि तुलसी वो लैंडलेस थी। विलेज के पीपल को पूरे साल भर तो काम करने को मिलता नहीं है क्योंकि थोड़ा ही काम होता है उनका कभी कभी, तो इस वजह से वो रूरल एरिया से किसी और एरिया में जाते हैं काम की तलाश में। इसे बोला जाता है माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना, और एक पर्टिकुलर सीजन में ही जाते हैं जिस सीजन में विलेज में काम नहीं होता। एक और स्टोरी देखते हैं अब हम। एक पर्सन है शेखर, वो भी इसी विलेज में रहता है, तो वो अपनी स्टोरी बताता है कि देखो ये मैं अपने घर पे ले जा रहा हूँ पैडी, क्योंकि मेरी फैमिली ने हार्वेस्टिंग कर ली है फील्ड की। मेरे पास ज्यादा लैंड तो है नहीं, बस 2 एकड़ का लैंड है, और मैं उसमें वर्क खुद से ही करता हूँ। जब भी हार्वेस्ट करवाना होता है तो मैं कभी कभी स्मॉल फार्मर को बुला लेता हूँ और उनकी भी हेल्प कर देता हूँ जब उनके फील्ड में काम होता है हार्वेस्ट का। ट्रेडर यानी शॉप से मैं सीड्स लेकर आता हूँ और फर्टिलाइजर लेकर आता हूँ, वो भी लॉन पे। अब वो लॉन मुझे वापस करनी होती है तो मैं क्या करता हूँ, जो ट्रेडर होता है उसी को मुझे लो प्राइस पे पैडी को बेचना पड़ता है। ट्रेडर अपने एजेंट को भी भेजता है ये रिमाइंड कराने के लिए कि देखो हमने तुम लोगों को लोन दिया है तो तुम्हें पैडी को हमें ही सेल करना पड़ेगा, वो भी लोअर प्राइस में। शेखर बोलता है मेरी फील्ड में तो बहुत ही कम पैडी हुआ है, ओनली 60 बैग मैं कलेक्ट कर पाया हूँ, वो भी मुझे लोन चुकाने के लिए ट्रेडर को देने पड़ेंगे, बाकी का घर में यूज हो जाएगा। लेकिन इससे तो गुजारा नहीं चलेगा ना, मुझे और काम करना पड़ेगा क्योंकि ये तो कुछ ही मंथ का काम होता है, बाकी टाइम मैं रामलिंगम राइस मिल में वर्क करूंगा, काम करूंगा जिससे कि मैं थोड़ा और मनी अर्न कर सकूं। आसपास के विलेज से शेखर पैडी को कलेक्ट करके लाता है फार्मर से और रामलिंगम राइस मिल में पहुंचाता है। राइस मिल में राइस को अच्छे से साफ किया जाता है। शेखर के पास एक हाइब्रिड काउ होती है जिसका मिल्क वो कॉपरेटिव में बेचता है, उससे उसको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मनी मिल जाता है अपनी रोज की जरूरतें पूरी करने के लिए। On being in debt, अभी हमने देखा
कि शेखर जैसे जो फार्मर्स होते हैं वो सीड्स, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड खरीदने के लिए मनी लैंडर से मनी को बोरो करते हैं, उनसे उधार लेते हैं। अगर सीड्स अच्छी क्वालिटी की नहीं होती या फिर जो पेस्ट होते हैं वो उस पर अटैक कर देते हैं कीड़े मकोड़े क्रॉप पे, तो उनकी क्रॉप फेल हो जाती है, फेलियर मतलब खराब हो जाती है क्रॉप, तो इससे उनको नुकसान भी होता है। जब मॉनसून सीजन में रेन नहीं आती है तो भी क्रॉप फेल हो जाती है, अब पानी नहीं मिलेगा क्रॉप को तो क्रॉप कैसे ग्रो होगी, इस वजह से क्रॉप खराब हो जाती है। तो फार्मर्स को इतना मुश्किल होता है मनी लैंडर को पैसे वापस करना जो उन्होंने पेस्टिसाइड, सीड्स और फर्टिलाइजर के लिए लिया था। ये और मनी बोरो कर लेते हैं मनी लैंडर से, क्योंकि अब इनको फैमिली भी तो चलानी है, उसके लिए मनी भी तो चाहिए, तभी तो सामान लेकर आ पाएंगे घर पे कुछ खाने पीने का, तो इस वजह से वो और पैसा ले लेते हैं मनी लैंडर से। इस चीज को हम बोल सकते हैं कि कॉट इन डेब्ट, मतलब कर्ज में फंस जाना। जो फार्मर्स होते हैं उनके ऊपर कर्ज पे कर्ज चढ़ता रहता है, वो पैसा वापस तो दे ही नहीं पाते हैं, इस वजह से वो इतनी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, तो कभी कभी तो वो सुसाइड भी कर लेते हैं। रामलिंगम एंड कारुथामा। इस फिगर में हम देख सकते हैं ये रामलिंगम का 20 एकड़ का लैंड है, जिसमें तुलसी जैसे वर्कर पैडी को राइस को ग्रो करवाने में हेल्प करते हैं। रामलिंगम के पास लैंड के साथ साथ एक राइस मिल भी है और उसकी एक शॉप है जिसमें वो सीड्स और पेस्टिसाइड्स को बेचता है। राइस मिल ओपन करने के लिए उसने कुछ अपना पैसा यूज किया था और कुछ गवर्नमेंट बैंक से उधार लिया था, बोरो किया था। आसपास के विलेजेस से वो राइस खरीदता था और उस राइस को खरीद के मिल में लेकर आता था, मिल से फिर वो ट्रेडर को सोल्ड करता था और उससे जो पैसा कमाता था वो एक सब्सटेंशियल इनकम होती थी, इसकी एडिशनल इनकम हो जाती थी। सब्सटेंशियल इनकम बोले तो एक्स्ट्रा मनी। टेरेस फार्मिंग इन नागालैंड। इस बॉक्स में नागालैंड के फेक डिस्ट्रिक्ट के सिजामी विलेज के बारे में बताया है। इस विलेज की कम्युनिटी में जो पीपल रहते हैं उन्हें बोला जाता है चकेसंग कम्युनिटी। ये पीपल टेरेस कल्टीवेशन करते हैं। टेरेस कल्टीवेशन हम उसे बोलते हैं जो हिल्स पे लैंड होते हैं ना, उस पे जो फार्मिंग करते हैं उस फार्मिंग को बोला जाता है टेरेस कल्टीवेशन। इस फिगर में हम देख भी सकते हैं कि कैसे लाइन ड्रॉ हो रखी है ग्रीन ग्रीन कलर की, और बीच में जो है वो वाटर है, तो वाटर को रिटेन करके रखता है जिससे कि वो इधर उधर ना जा पाए वाटर और राइस की कल्टीवेशन अच्छे से हो पाए। यहाँ पे सभी पीपल की अपनी अपनी फील्ड होती है, लेकिन फिर भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं। 6 to 8 पीपल मिलके वीड्स को कट करते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना जिनकी जरूरत नहीं होती है उसको कट करने का काम भी ये एक साथ मिलके करते हैं। पूरे दिन का काम खत्म करने के बाद हर एक ग्रुप एक साथ बैठ के खाना भी खाता है। इस तरीके से ये काम करते हैं जब तक इनका काम पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है। एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया। कलपट्टू विलेज में हमने देखा कि काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्रीकल्चर लेबरर थे, जैसे कि तुलसी, और जो स्मॉल फार्मर था जैसे शेखर, और बिग फार्मर जैसे कि रामलिंगम। इंडिया में अगर विलेजेस वाले एरिया में देखा जाए तो हर 5 रूरल फैमिलीज में से 2 रूरल फैमिली तो आपको एग्रीकल्चर लेबरर ही मिलेगी। ये एग्रीकल्चर लेबरर दूसरों के फील्ड में काम करते हैं तब जाके कुछ अर्न कर पाते हैं। ज्यादातर पीपल इसमें से लैंडलेस होते हैं। लैंडलेस वो होते हैं जिसके पास कोई खुद की फील्ड ही नहीं होती, खुद का लैंड नहीं होता, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत छोटे से प्लॉट होते हैं, स्मॉल प्लॉट होते हैं। अगर हम स्मॉल फार्मर का केस देखें, जैसे कि शेखर, उसके पास छोटा सा लैंड था और वो खुद की भी नीड को पूरी नहीं कर पा रहा था। इंडिया में शेखर जैसे स्मॉल फार्मर्स 80% हैं और रामलिंगम जैसे 20% हैं। यहाँ पे आप ये परसेंट जो लिखा है इससे कंफ्यूज मत होना, ये है कि 100 में से जो 80 हैं वो स्मॉल फार्मर्स हैं और 100 में से 20 जो हैं वो बिग फार्मर हैं। तो अब मुझे ये बताओ कि स्मॉल फार्मर ज्यादा हुए या बिग फार्मर ज्यादा हुए। 80 और 20 को हम प्लस करेंगे तो 100 आएगा। इसका मतलब स्मॉल फार्मर और बिग फार्मर सभी फार्मर्स को मिला के 100% है। रामलिंगम जैसे लार्ज फार्मर के पास बहुत बड़ा लैंड होता है तो राइस भी बहुत ज्यादा होता है, इस राइस को वो मार्केट में बेचते हैं। ज्यादातर पीपल तो अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे शॉप ओपन करना, मनी लैंडिंग यानी उधार देना किसी को पैसे, ट्रेडिंग का काम, स्मॉल फैक्ट्रीज एक्सेट्रा।
हमने देखा कल्पट्टू में फार्मिंग कैसे की जाती है। फार्मिंग के अलावा रूरल एरिया में जो पीपल होते हैं वो और भी काम करते हैं, जैसे फॉरेस्ट से कलेक्ट करके लाना वुड वगैरह, और एनिमल हस्बेंड्री का काम, डेयरी प्रोड्यूस और फिशिंग। फॉर एग्जाम्पल कुछ विलेजेस में, जैसे सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट हो गया ना, जो इंडिया के बीचों बीच वाला पार्ट है, जहाँ पे एमपी, मध्य प्रदेश ये सारा एरिया है, यहाँ पर फार्मिंग भी की जाती है और फॉरेस्ट से कलेक्ट भी करके लाते हैं, जैसे वुड वगैरह कलेक्ट करके लाए और मार्केट में बेच दिया। फॉरेस्ट से ये लोग महुआ, तेंदू लीव, हनी ये सब कुछ लेकर आते हैं और ट्रेडर को बेचते हैं। ये इनका एडिशनल इनकम होती है, एक्स्ट्रा मनी इससे अर्न कर पाते हैं। ऐसे ही कुछ पीपल मिल्क को सेल करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, वहां से उस मिल्क को टाउन में ले जाया जाता है और बेचा जाता है। कोस्टल एरिया उसे बोला जाता है जो सी के आसपास वाला एरिया होता है, वहां पे काफी सारे विलेजेस भी होते हैं, ज्यादातर वहां पे फिशिंग विलेजेस होते हैं। अब हम देखेंगे कि जो फिशिंग फैमिली होती है उनकी लाइफ कैसी होती है। कलपट्टू विलेज के पास में एक और विलेज है जिसका नाम है पुडुपेट, वहां पे अरुणा और परिवेलन रहते हैं, उनकी स्टोरी देखते हैं अब हम। अरुणा एंड परिवेलन, पुडुपेट विलेज कलपट्टू विलेज के पास में ही होता है। यहाँ के जो पीप होते हैं ना, उनका काम फिशिंग का होता है, वो फिश को बेचते हैं तब जाके थोड़ा बहुत अर्न कर पाते हैं, और जो इनके घर होते हैं वो भी सी के आसपास ही होते हैं, और यहाँ पर ज्यादातर कैटामरन और नेट्स भी देखने को मिलती है। कैटामरन होता है ये जैसे छोटी छोटी बोट्स होती है ना ये सारी, और नेट जिससे फिश को पकड़ते हैं, तो ये सारी चीजें इनके घर के आसपास मिलती हैं। मॉर्निंग में सुबह 7 o'clock बीच के आसपास बहुत चहल पहल दिखती है। उस टाइम जो कैटामरन्स होते हैं वो बहुत सारी फिश को लेकर आते हैं वहां पर, और जो वीमेन्स होती हैं वो उस फिश को खरीदती हैं और बेचती हैं। इस फिगर में हम देख भी सकते हैं कि जो वीमेन है वो कैसे बेच रही हैं, सेल कर रही हैं फिश को, और एक पर्सन उससे खरीद रहे हैं। अरुणा बताती है, मेरे हस्बैंड और मेरे ब्रदर और मेरे हस्बैंड के ब्रदर कैटामरन में बैठ के सी के आसपास गए थे फिश को कलेक्ट करने के लिए, कैच करने के लिए, लेकिन वो लेट हो गए थे, इस वजह से मैं थोड़ी वरीड हो गई थी, मुझे चिंता होने लग गई थी उन लोगों की। उन्होंने बताया कि स्ट्रॉम यानी तूफान आ गया था, इस वजह से हम लेट हो गए थे। ये लोग जो फिशेस लेकर आए थे उसमें से थोड़ी सी फिशेस तो घर के लिए रख ली थी, और बाकी जो फिशेस थी उनको सेल कर दिया था, बेच दिया था। जितनी भी फिशेस थी उनको ऑक्शन करने के बाद, बेचने के बाद जो भी मनी आया था उसके 4 शेयर हुए थे, 4 पर्सन में डिवाइड हुए थे, लेकिन गए तो सिर्फ 3 लोग थे, एक तो अरुणा के हस्बैंड और एक अरुणा के ब्रदर और एक अरुणा के हस्बैंड के ब्रदर। तो 3 शेयर होने चाहिए, लेकिन इन्होंने 4 शेयर रखा। 4 शेयर इन्होंने इसलिए रखा कि जो 4th वाला शेयर था ना वो उस पर्सन को मिलेगा जिसके इक्विपमेंट्स हैं। इक्विपमेंट जैसे कि कैटामरन, इंजन और नेट्स। अब इसमें जो इंजन है ना उसको खरीदने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ा था, क्योंकि अगर इंजन लगेगा कैटामरन में तो वो और दूर तक जा पाएंगे सी में, और ज्यादा से ज्यादा फिश को कैच कर पाएंगे। जो भी विमेन्स यहाँ पे फिशेस खरीदती हैं तो वो अपनी फिशेस बास्केट में रख के आसपास के विलेजेस में बेचने के लिए जाती हैं। कुछ ट्रेडर्स भी होते हैं जो शॉपकीपर होते हैं, वो भी बाय करते हैं, खरीदते हैं फिशेस को और बेचते हैं। अरुणा बताती है ये सारा काम नून तक खत्म हो जाता है, दोपहर तक खत्म हो जाता है, इवनिंग में शाम को इसके जो हस्बैंड होते हैं और रिलेटिव होते हैं वो नेट वगैरह को रिपेयर करते हैं जिससे कि फिश को अच्छे से कैच कर पाए, और अगले दिन सुबह सुबह मॉर्निंग में 2 AM फिर से जाते हैं सी के आसपास और फिश को कैच करके लाते हैं नेट में। एवरी ईयर कम से कम 4 मंथ मॉनसून के टाइम पे जब बारिश होती है ना उस टाइम पे सी में जो फिश होती है वो ब्रीड करती है, मतलब बर्थ लेती है, जन्म लेती है, तो उस टाइम तो कैच कर ही नहीं सकते हैं नेट में फिश को, तो इस वजह से ये लोग 4 मंथ तक तो खाली बैठे रहते हैं, इनके पास कोई काम होता ही नहीं है। फिर ये ट्रेडर से मनी बोरो करते हैं, लोन लेते हैं, उधार लेते हैं, जिससे कि इन 4 मंथ में वो घर बैठ के अपने खाना तो खा सके अच्छे से। इस वजह से ट्रेडर बोलता है देखो मैंने तुम्हें मनी दिया है उधार, तो जब भी तुम्हारी फिश होगी ना तो तुम मुझे ही सेल करोगे। इस वजह से इन लोगों को ट्रेडर को देनी पड़ती है फिशेस, और अपने मर्जी से ये लोग सेल नहीं कर सकते हैं, जो मतलब जितने का भी चाहते हैं ये ऑक्शन नहीं कर सकते हैं फिशेस का, क्योंकि ट्रेडर से इन्होंने पहले पैसे ले रखा होता है, तो अब इनको ट्रेडर को देनी पड़ती है फिश सस्ते में। अरुणा बताती है
कि ये जो लीन मंथ होता है ना, लीन मंथ मतलब जिसमें हम कुछ भी काम नहीं करते हैं, खाली बैठे रहते हैं, तो ये टाइम बहुत डिफिकल्ट होता है हम लोगों के लिए। और हमने लास्ट ईयर तो इतना ज्यादा सफर किया था क्योंकि सुनामी आ गई थी। अब सुनामी आ गई थी तो इस वजह से हम लोग फिश को कैच भी नहीं कर पाए थे सी में जाके। रूरल लाइवलीहुड, रूरल एरिया में पीपल अलग अलग तरीके से अर्न करते हैं, जैसे कुछ तो फार्म से अर्न करते हैं, कुछ नॉन फार्म एक्टिविटी से अर्न करते हैं मनी। फार्म्स में जो भी ऑपरेशंस होते हैं, जैसे जो भी काम किया जाता है, जैसे लैंड को प्रिपेयर करना, सो करना क्रॉप को, फिर वीडिंग मतलब जो अनवांटेड प्लांट होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते हैं, उनको कट करना, उसके बाद हार्वेस्ट करना क्रॉप का, तो ये सब कुछ क्रॉप पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब क्रॉप पूरा अच्छे से ग्रो होगा तभी तो उसको हम हार्वेस्ट कर पाएंगे। जितनी भी क्रॉप होती है वो सीजन पे डिपेंड करती है, जैसा सीजन होगा वैसे क्रॉप होगी। और जो पीपल हैं वो सोइंग और हार्वेस्टिंग के टाइम पे बिजी होते हैं, बाकी टाइम पे उन्हें खाली बैठना पड़ता है रूरल एरिया में। डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप को ग्रो किया जाता है। और हमने ये देखा कि जो फार्मर्स की, जो रूरल पीपल हैं, चाहे वो किसी भी रीजन में हो, सब की सिचुएशन एक ही जैसी होती है, सब लोग एक ही ऐसी प्रॉब्लम फेस करते हैं। हमने इस चैप्टर में देखा कि पीपल्स जो होते हैं वो दूसरों के लैंड पे कैसे डिपेंड करते हैं, जैसे कि जो लेबरर होती है वो तो दूसरे के लैंड पे डिपेंड होगी क्योंकि उन्हें वहीं जाके काम करना है, वहीं से पैसे अर्न करने हैं। लेकिन कुछ फार्मर ऐसे हैं जो अपनी ही लैंड पे क्रॉप को ग्रो करते हैं और अपने घर के लिए भी रखते हैं उस क्रॉप को, और जो बच जाता है उसको सेल कर देते हैं। कुछ वो उन ट्रेडर्स को सेल करते हैं जिनसे उन्होंने पैसा लिया होता है उधारी पे पहले। कुछ फैमिलीज ऐसी होती है कि उनको जरूरत होती है मनी बोरो करने की, उधार लेने की, क्योंकि उन्हें अपने काम करना होता है। और कुछ ऐसी होती है जब कोई काम ही नहीं होता है उनके पास तो भी उन्हें पैसा चाहिए होता है, तो इस तरीके से वो उधार लेते हैं। रूरल एरिया में कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनके पास लार्ज एकड़ की लैंड होती है, बहुत बड़ी बड़ी लैंड होती है, और कुछ तो बिजनेसमैन होते हैं और कुछ अदर एक्टिविटी करते हैं। देखा जाए तो जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, एग्रीकल्चर लेबरर्स होती है, फिशिंग फैमिलीज होती है, क्राफ्ट पर्सन होते हैं ना, इन लोगों को पूरे साल भर काम करने को नहीं मिलता। तो चैप्टर होता है हमारा फिनिश। फटाफट से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ और फिर नाचो खेलो कूदो और गाओ, और मैं भी चलती हूँ कॉफी पीने। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।